100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसको लेकर स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीबी अस्पताल पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चिंटी इंटरप्राइजेस के द्वारा 15 जुलाई 2021 को कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी, जिसकी अवधि 13 जुलाई 2022 तक ही थी, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसके विरोध में संविदा कर्मचारियों ने मांग किया कि हम लोगों को फिर से कार्य पर रखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने कोविड में मरीजों की सेवा की थी। वहीं सीएमओ का कहना है कि शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा ड्यूटी पर रखा जाएगा, जबकि गोरखपुर न्यूज को मिले पेपर के अनुसार 13 जुलाई 2022 को सभी कर्मचारियों का सेवा समाप्त होने की संविदा ही है, जिसके आलोक में सभी संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संविदा कर्मचारी सत्यम चौहान एवं स्टाफ नर्स प्रियंका सिंह ने कहा, एकता जिंदाबाद, 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 तो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिला अस्पताल में तो कर्मचारी पूरे प्रदेश में काम, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं सर, हम ही लोग के साथ ऐसा होता है। वेतन कहाँ से सर, आखिर में वो भी लोग तो दे रहे हैं सर, कोई नहीं पा रहा है वेतन, वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन कहाँ से, वेतन कहाँ से मिलेगा, 3 महीने का भी सब लोग का बाकी है, वो तो 3 महीने का मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो इधर होगा जब तक एजेंसी चेंज नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। एजेंसी का चेंज जो है बात हो रही है, दिल्ली साहब से बात भी हुई है, मेरे ख्याल से एक आधा हफ्ते ज़्यादा लगेगा, परेशान हो आप, मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन सर यहाँ से कुछ नहीं होगा सर, तो आपके द्वार पर आएंगे, यहाँ से नहीं होगा तो आपके द्वार पर आएंगे, हमारे पास कोई ना, हम तो एजेंसी को रखते हैं, एजेंसी का चयन जैसे शासन से हो जाए सर, जेम पोर्टल मिलता रही है सर, जेम पोर्टल से अब सरकार ने रोक लगा दिया कि हमने नहीं करना, वो लोग वहीं डॉक्टरों से करेंगे, हम जबरदस्त थोड़े करेंगे। सत्यम चौहान, हम लोग के धरना प्रदर्शन कर्मचारी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सबको निकाल दिया गया है, मशीन में साहब ने काम लेने से मना कर दिया और ये बोल दिया है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं और आप जो को करना है वो करते रहिए। और हम लोग 2016 से हम लोग की ज्वाइनिंग है इसी चिकित्सालय में, जिसका नाम सौ सही क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय टीबी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये अभी भी कोविड चिकित्सालय डेडिकेटेड है अभी भी, और कोरोना काल में भी ये सारे कर्मचारी जो 45 कर्मचारी है आउटसोर्स से हम लोग नियुक्ति हुई है, और 2016 से हम लोग की नियुक्ति अवनी परिधि के द्वारा हुई थी और जेम पोर्टल के द्वारा भी हम लोग की नियुक्ति होगी, जो शासन का एक ई मार्केटिंग जेम प्लस है उसी उसके द्वारा। हमारी मांग यही है कि हम लोग का 3 महीने का बकाया वेतन है जो जनवरी फरवरी मार्च 2022 का है, और काम से लगातार लिया जाए और हमारी ज्वाइनिंग फिर से कराई जाए। प्रियंका सिंह नाम है, यहाँ हम लोगों को निकाल दिया गया है इस हॉस्पिटल से, हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, पिछले 16 की हम लोगों की ज्वाइनिंग है यहाँ पे, और हम लोगों को कोविड में फिर से ज्वाइन किया गया, बताया गया कि आप लोग जेम पोर्टल से जोड़ दिए गए हैं पिछली साल, उसके बाद यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अब आप लोग काम नहीं करेंगे जब तक हम शासन से हम लोगों का रिन्यूअल नहीं आया है, बाकी जगह पे सारे लोग काम कर रहे हैं,
इसी चिंटी कंपनी से सारे लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को हर बार यही किया जाता है कि आप लोगों का नहीं हुआ, 20 दिन की सैलरी, 10 दिन की सैलरी इसी तरह करके रोक दी जाती है बीच में। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, आउटसोर्सिंग से हैं। क्या नाम है कंपनी का? चिंटी कंपनी है, चिंटी इंटरप्राइजेज। क्या चाहती हैं? हमारा कार्य फिर से शुरू किया जाए, यही चाहेंगे। ऑफिसली हम काम कर रहे थे, चूंकि खुलवाया हुआ है हम लोगों का, हम लोग धरने पे दिए। हमारे कर्मचारी ने एक सुसाइड भी कर लिया इसी के चक्कर में, अब फिर सुसाइड कर ले हम लोग? जो 7 साल नौकरी कर लेगा, 6 साल नौकरी कर लेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, वो क्या करेगा? सुसाइड ही ना करेगा। सरकार सोई है, योगी जी आते हैं सोते हैं, क्या देखते हैं? उनको नहीं बता सकते आप लोग? बताइए, बोल रहे हैं, हमारा नाम लीजिए, बताइए, जिससे मर्जी आए उससे बताइए। कोविड में हमारा छोटा सा बच्चा था, हम दूध नहीं पिलाए, उसको भेज दिए अपने घर पे। अब कह रहे हैं अधिकारी कि हम आपको जानते नहीं हैं। कोविड में वो जानते थे। यहाँ जितने लोग सरकारी परमानेंट कर्मचारी हैं, कह दे कि हमको नहीं जानते हैं, हम बुला दें उन मरीजों को कि जो हमको जानते हैं, जिसका इलाज हम लोग किए हैं। यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, यहाँ के अधिकारी सोए हुए रहते हैं, किसी को जानकारी नहीं रहती है। कर्मचारी कैसे 20,000 सैलरी उन लोगों को गढ़ती रहती है, 20,000 मिलती थी वो भी हटा दिया गया, जेम पोर्टल से जोड़ दिया गया है, पीएफ कट रहा है, उस कुछ भी पूछने जाओ यहाँ के अधिकारी और बाबू बोलते हैं कुछ नहीं पता है हम लोगों को। अरे किस लिए आप बैठे हैं कुर्सी पर जब आपको कुछ पता ही नहीं है? तो